This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So today we have got this letter, which is very simple. It's kind of a visit letter. Again, I'm sorry to say that this is a visit letter. This is a discharge letter. Sometimes it makes it easier to categorize the letter कि ये discharge letter है, ये visit letter है. आपको तो वैसे ही students को बड़ा अच्छा लगता है ऐसा सुनना. अच्छा, ये visit letter का pattern है. ओके, डिस्चार्ज. और कितने तरीके के लेटर आते हैं. आई नो दिस अंडरस्टैंडिंग्स मेक यू फील ईजी, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क बिकॉज अवर एग्जाम ऑफ ओईटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव. द कॉस्ट ऑफ अवर एग्जाम इज अराउंड लाइक 33,000 इंडियन रुपीज, विच मेक्स अराउंड 320 pounds UK एंड अराउंड 587 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स प्रिसाइजली. सो इट इज़ एन एक्सपेंसिव एग्जाम. सो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर आप क्रिएट करते हो कि ये विजिट वाला लेटर है, क्योंकि ये 20 तारीख दी है, विजिट है. फिर नेक्स्ट बार वो 28 को आया, ये भी विजिट है. और आज वो 30 को आया, ये भी विजिट है. सो ऑफ कोर्स इट मेक्स इट ईजियर. बट कभी कभार लेटर कुछ और आ जाता है, जिसमें कई बार मेडिकल से रिलेटेड डाटा लिखना ही नहीं होता. जैसे कई बार एज केयर असेसमेंट टीम को लेटर आ जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ एज केयर असेसमेंट टीम को ये देखना होता है उसके घर जाके कि वो जो कपल हैं, जो एज्ड हैं, क्या वो डिजर्व करते हैं इस ट्रीटमेंट को या नहीं करते. असेसमेंट का मतलब एज्ड केयर वाले वहां जाके देखेंगे, उनको असेस करेंगे कि वो पेंशन, वो पैसों के लिए एलिजिबल है या नहीं. तो ये सारा लेटर फाइनेंशियल के ऊपर है, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल ढूंढनी पड़ेंगी. तो पर्पस ऑफ द लेटर हमेशा इससे पता लगेगा कि हम उस टीम को क्यों लेटर लिख रहे हैं. अगर हम उस टीम को पेंशन के लिए लेटर लिख रहे हैं कि आप घर जाके देखो कि वो बहुत ही बूढ़े हैं, वो अपना खर्चा नहीं चला सकते, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनके घर जाके उनको पेंशन की सर्विसेज दो. लेकिन जब लेटर्स कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे कि ये वाले, ये विजिट लेटर साफ दिख रहा है, तो इसमें अगेन हमारा विजिट लेटर का पैटर्न फॉलो होगा. जो स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए मैं पूरा विजिट लेटर का पैटर्न बोल दूंगा अभी के अभी. वैसे विजिट लेटर पैटर्न बहुत ही आसान है, तो आपको कोई अगेन रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इनफैक्ट ज्यादा क्रिएटिविटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से लिखोगे और अकॉर्डिंग टू द लेटर उसको मॉडिफाई कर पाओगे. देखो, पैराफ्रेजिंग तो करना पड़ेगा, हम सब इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो पैराफ्रेजिंग करना पड़ेगा. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्ट्रेट अवे अगर ये लेटर लिखना है तो विजिट लेटर का इसमें पैटर्न भी कवर कर दूंगा, और कैसे लिखना है वो भी आपको समझ आ जाएगा. सो सबसे इंपॉर्टेंट होती है आज की विजिट. आज की विजिट इसमें क्या कहती है कि पेशेंट को आज, पेशेंट ये ना गलती से एसिम्प्टोमेटिक दे रखा है, पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है. अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है, यानी कि अगर पेशेंट ठीक हो जाता, तो फिर हम उसको कभी भी एक बड़े डॉक्टर के पास नहीं भेजते. तो ये बाय चांस लिखा हुआ है, तो कहना चाहता है पेशेंट अभी भी सिम्प्टोमेटिक है, उसकी यूरिनालिसिस बता रही है मैक्रोस्कोपिक हेमेचोरी है, क्रिएटिनिन और यूरिनिन भी बढ़ा हुआ है, एएसओटी भी बढ़ा हुआ है, और आज की मेन असेसमेंट है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विद अर्ली रीनल फेलियर, रेफर टू पेडिटिशियन. पेडिटिशियन का मतलब यही है, ये बेबी होगा उसकी, ये छोटी है, 5 ईयर ओल्ड है, मास्टर जेमी. तो अगर 2 ईयर ओल्ड होता तो हम बेबी लिखते, पर 5 ईयर ओल्ड के लिए मास्टर जेमी लिखना ज्यादा बेटर है. और फर्स्ट नेम का यूज करते हैं जब एज 18 ईयर से कम होती है, तो ये 5 ईयर्स है. अगर ये 18 ईयर से ऊपर होता तो हम कहते हैं मिस्टर ब्राउन, लेकिन अब ये 5 ईयर्स का है तो मास्टर जेमी. तो मास्टर जेमी के लिए लेटर लिख रहे हैं जो 5 ईयर ओल्ड है, और पेडिटिशियन को लिख रहे हैं, तो ये हम समझ ही गए थे. सो अब मैं आपको इस लेटर को लिखना सिखा देता हूँ. फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा ऐसा लगेगा, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मास्टर जेमी. अब उसको जो आज का, जो आज का दिया है बस उसे यूज करो, हु हैज बीन असेस्ड विद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विद अर्ली रीनल फेलियर. अब हमेशा जब भी लिखना है किस बेसिस पे किया गया है, तो हम देख लेते हैं किस बेसिस पे किया गया है. ये है इन्वेस्टिगेशंस और ये है सिम्टम्स. तो सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशन, तो जब आप लिखोगे तो फर्स्ट लेटर में, सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मास्टर जेमी हु हैज बीन असेस्ड विद दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन. तो इन्वेस्टिगेशन मेन वर्ड आ जाता है, हेंस ही इज बीइंग रेफर्ड, इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं, ही इज बीइंग रेफर्ड. और पेडिटिशियन तो एक्सपर्ट होते ही हैं, अंडर योर एक्सपर्टीज ऑन अर्जेंट बेसिस
देखो ऐसे सिंपल तो नेवर ग्रेड अ लेटर, बट हाँ कभी कभी पैटर्न को फॉलो करना आसान करते हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप आंखें खोल के करो, बिकॉज पेपर बहुत एक्सपेंसिव है. मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा, आपके पैसे हैं, बट आई वॉन्ट टू सेव योर मनी. दैट इज वट डॉक्टर बी के एम इज ऑल अबाउट. सो वी वॉन्ट टू सेव योर मनी, प्लीज जल्दी में गड़बड़ मत करना. सो ऑन द अंडर हैंड शी इज बींग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज ऑन अर्जेंट बेसिस. किस लिए? बस फॉर फर्दर मैनेजमेंट. फॉर फर्दर मैनेजमेंट आप इसको ये भी कह सकते हो, फॉर एक्सपर्ट मैनेजमेंट ऐसा भी लिख सकते हो, पर एक्सपर्टीज वर्ड दो बार अच्छा नहीं लगेगा. फॉर मैनेजमेंट या फॉर फर्दर भी अच्छा नहीं लग रहा, फॉर मैनेजमेंट. फॉर द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, बस वो यही फॉर द मैनेजमेंट ही ठीक है. एक बार पढ़ के देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ लगते हैं. दिस लेटर इज बीइंग रिटन बाय मास्टर जैमी हु हैज बीन असेस्ड विद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विद अर्ली रेनियल फेलियर ऑन द बेसिस ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस या ऑन द बेसिस ऑफ हिज करंट इन्वेस्टिगेशंस. हेंस ही इज बीइंग रेफर्ड ऑन अर्जेंट बेसिस फॉर मैनेजमेंट, फॉर फर्दर मैनेजमेंट या फॉर एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट. कुछ वर्ड अच्छा लगता है एडवर्ब को यूज करना, फॉर एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट. चलो ठीक है, ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हो गया. फिर हमेशा विजिट्स पे आ जाओ, जो जो विजिट्स चल रही हैं. अब ये है, अब यहाँ पे सोशल हिस्ट्री, वैसे सेकंड पैराग्राफ हमेशा सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री का बनेगा, पर यहाँ पे सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री दी नहीं, यहाँ पे सीधा से ये दे रखा है ये वाली विजिट. तो इस विजिट को लिखने का तरीका देखो आराम से. फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ को हमने लिख दिया. अब सेकेंड पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के ये रहा. सो ये है 5-year-old boy sore throat and on first visit, ब्रैकेट में डाल दो, सिर्फ एक बार ब्रैकेट यूज कर सकते हो. ऐसा मतलब मैम टीचर्स आपको मना करेंगे, क्योंकि मैं खुद ही मना करता हूँ, लेकिन एक आधी बार यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है. सो डिसम्बर, सो 20th, सॉरी ये वर्ड यहाँ पे गलत चला गया. 20th December. बिल्कुल ये आपका पैटर्न भी है विजिट लेटर का, पर अगेन मैं चाहूंगा कि ये मैं अपने कन्वीनियंस के लिए यूज कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए कि ये पैटर्न है, बट प्लीज आप मत उलझो इस चीज में, बस सीखो जो भी लेटर के हिसाब से लिखना पड़ेगा. ऑन 20th December क्या हुआ, 1989 को क्या हुआ, द पेशेंट, पेशेंट का मतलब ये जो बच्चा है, तो आप ऐसे कह सकते हो द बॉय या द पेशेंट, पेशेंट ही लिख दो क्योंकि बेबी लिखना बहुत छोटा हो जाएगा. अब यहाँ पे पैसिव वॉइस के मार्क्स मिलेंगे क्योंकि वो अपनी मम्मी के द्वारा लाया गया था. तो द पेशेंट वॉज ब्रॉट, मेडिकल में ब्रॉट की जगह अच्छा लगता है प्रेजेंटेड. द पेशेंट वॉज प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट्स ऑफ, ऐसे छोटी छोटी बातें बिल्कुल सिंपल, विद द कंप्लेंट्स ऑफ सोर थ्रोट एंड हस्की वॉइस, जो वहां पे लिखे वहां पे तो आराम से लगाओ. फिब्राइल और इरिटेबल, अब प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो सोर थ्रोट और हस्की वॉइस है वो पेशेंट रखता है, उसकी बिलोंगिंग है. जो बिलोंगिंग होती है तो हम उसको लिखते हैं ही हैड सोर थ्रोट एंड हस्की वॉइस. लेकिन जो फिब्राइल और इरिटेबल है वो पेशेंट खुद होता है, जो हम खुद होते हैं, जैसे हम नाइस खुद होते हैं, हम अवेयर खुद होते हैं, तो वहां पे इज एम आर वॉज वर्क का यूज होता है. जो हम रखते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हस्की वॉइस हो, जो वो सोर थ्रोट हो, ये हम खुद थोड़ी, अगर मैं कहूँ आई एम सोर थ्रोट, मैं सोर थ्रोट थोड़ी हूँ, आई एम हैविंग सोर थ्रोट, मैं सोर थ्रोट को रखता हूँ. सो ये बात आपको समझनी पड़ती है कि आपको कहाँ पे इज एम आर वॉजवल लगाना है, कहाँ पे हैज एव लगाना है. तो जो चीज आप रखते हो, जैसे कि ही हैज सोर थ्रोट, तो कंप्लेंट्स ऑन के साथ भी यही आता है, वॉज प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट्स ऑफ सोर थ्रोट एंड हस्की वॉइस. उसके बाद आपको ये वर्ड चेंज करना पड़ेगा, ही वॉज फेब्राइल एंड इरिटेबल, ये वो खुद है, और पास्ट के लिए वॉज, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. सो आई होप आपको ये सब समझ आया हो अब तक, इसके बाद हम आगे चलेंगे, पर आई होप यहाँ तक सबको समझ आया हो. ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं दोबारा से, एक बार दोबारा मैं हटा देता हूँ. ऐसे बिल्कुल इरिटेबल, और उसका टेम्परेचर भी हाई था. फेब्राइल में वैसे तो कवर ही हो गया, ही वॉज फेब्राइल एंड इरिटेबल. अब आप इसको कनेक्टर्स एंड की बजाय यहाँ पे एज लगा सकते हो, क्योंकि कनेक्टर से पहले कोमा, तो एज इज टेम्परेचर
एज इसलिए लगाया क्योंकि वो फेब्राइल है, फेब्राइल के साथ ये वर्ड जा रहा है, एज हिज टेम्परेचर वॉज 39 डिग्री। देखो आप कितना अच्छा लिख सकते थे यहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस, सही कनेक्टर के यूज कर सकते थे। इसके साथ साथ अलोंग विद दैट, पास्ट में हमेशा दैट का यूज करना है, अलोंग विद दैट। अब ये भी वो रखता है, लार्ज इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स, टेंडर लार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। सो ही हैड, अभी तक हमने यूज नहीं किया जो हम यूज करना चाहते थे, ही हैड एनलार्ज्ड एंड इन्फेक्टिव टॉन्सिल्स विद एक्सुडेट अलोंग विद एनलार्ज्ड टेंडर लिम्फ नोड्स, थोड़े सर्वाइकल नोड्स, थोड़ा सा चेंज करना सीखो जैसा आपको दिया है। बस लाइन को पढ़ने में एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं, ऑन फर्स्ट विजिट द पेशेंट वाज प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट्स ऑफ सोर थ्रोट एंड हस्की वॉइस, ही वाज फेब्राइल एंड इरिटेबल, एज हिज टेम्परेचर वाज 39, अलोंग विद दैट ही हैड एनलार्ज्ड ट्रांसिटर्स विद एक्सुडेट अलोंग विद, अब बार बार विद आ रहा है तो यानी इसको अलोंग विद दैट की जगह कर दो ऑल्सो। जहां पे आप देखो कितनी बार विद आ रहा था, तो अब इजी रहेगा, ऑल्सो ही हैड एनलार्ज्ड इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स विद एक्सुडेट अलोंग विद एनलार्ज्ड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, तो एटलीस्ट 3 बार विद नहीं आया जब आ चुका था, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमेशा लिखो इस कारण से, सो ही वॉज असेस्ड विद टॉन्सिलाइटिस, अगर वहां पे असेस्ड वर्ड दिया है, ही वॉज असेस्ड विद टॉन्सिलाइटिस। ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि आप इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो। सो असेसमेंट, ये प्लीज ध्यान से पढ़ना, बार बार सुनना, असेसमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस वॉज मेड, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जिसके लिए हमने पेंसिलिन दी, फॉर विच कनेक्टर लगाया, जिसके लिए कॉमा दोनों तरफ, कनेक्टर से पहले तो कॉमा आता ही है, पर फॉर विच ऐसा कनेक्टर जिसके दोनों तरफ पर आता है, फॉर विच पेंसिलिन 250 mg QID 4-7 days was prescribed। बस ये हमारा पूरा हो गया सेकंड पैराग्राफ, देखो कितनी आसानी से लेटर चल रहा है। अब हमने जाना है थर्ड विजिट में, देखते हैं थर्ड विजिट क्या कहती है हमारी, और सेकंड विजिट, सेकंड विजिट क्या है, 20 दिसंबर को आया था, आज आया 28 जनवरी, यानी 1 month and 8 days के बाद। तो मोम ने कहा भाई उसको ब्राउन यूरिन आ रहा है, टायर्ड एंड लिथार्जिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्यूरिया ENT में पता लगा, टॉन्सिलर हाइपरट्रोफिया यूरिनलिसिस में पता लगा, मैक्रोस्कोपिक हिमोचूरिया। अब ये विजिट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी विजिट वाला लेटर होता है और दो जगह क्वेश्चन मार्क दे रखे हो तो वहां पे उसको ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये बात मैं आपको स्पेशली सिखाना चाहता हूँ। तो आप जब लेटर लिखोगे, तो अगर मैं इस लेटर का थोड़ा सा पैटर्न छोटा कर दूं तो मैं आपको अच्छे से लिख पाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि विजिबल भी हो, हाँ इसको यूज कर लेता हूँ इतनी सी जगह को। तो अब यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं जो हमने अभी तक लिखा है, तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। फिर उसके बाद जब थर्ड विजिट आई, सेकंड विजिट, सो हम लिखेंगे सेकंड विजिट में, ऑन सेकंड विजिट, अब यहाँ पे कनेक्टर लगा सकते हो, विच वॉज ऑन 28 जनवरी, ऐसे आप विच वॉज लगा सकते हो, जे कैपिटल, कभी भी छोटा नहीं लिखना, आपको मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ताकि आपका कोई मार्क्स ना कटे। 28 जनवरी, तो बॉय की मदर है ना, मास्टर जेमीज मदर, नोटिस दैट, सो द पेशेंट्स मदर, इजी रहेगा, द पेशेंट, और आपको अपोस्ट्रोफी एस के भी मार्क्स मिलेंगे, ये होता है अपोस्ट्रोफी, यानी पेशेंट की मदर, ये अपोस्ट्रोफी एस, सो द पेशेंट्स मदर यानी पेशेंट की मदर, पंजाबी में बोलूं तो पेशेंट दी मदर, कंप्लेंट ऑफ ब्राउन यूरिन 4 days ago, तो पेशेंट की मदर ने कंप्लेंट किया उसको ये था, एंड शी ऑल्सो रिपोर्टेड दैट ही वॉज, ये जब भी कोई मदर बता रही है ना, सेस की जगह करो, उसने रिपोर्ट किया, एंड शी ऑल्सो रिपोर्टेड That he was, तो ये he लगाना बहुत जरूरी है, she also reported that he was tired and lethargic, आपने ये सारी चीज को इकट्ठा कर दिया।
तो ये भी देखो टायर्ड और लिथार्जिक बंदा खुद होता है, इसीलिए मैंने वॉज का यूज किया। जो वो चीज रखता है या तो वो कंप्लेंट ऑफ आएगी, जैसे ब्राउन यूरिन उसकी बिलोंगिंग है, सोर थ्रोट उसकी बिलोंगिंग है, तो वहां पे कंप्लेंट ऑफ या फिर हैड या वॉज हैविंग का यूज होता है। जो चीज वो खुद होता है ही वॉज टायर्ड एंड लिथार्जिक, ये बंदा वो खुद है। तो हिज, अब यहाँ पे बार बार हर जगह पे नहीं लगाना होता ऑल्सो अलोंग विद दैट, अब यहाँ पे आराम से जा रहा है। हिज यूरिनालिसिस रिपोर्ट रिवील्ड, क्या रिवील्ड किया, मैक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया। ऐसे आराम से लिखो, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, मैक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया। सो ही वाज, अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो, इस कारण से। क्योंकि इस कारण क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं, ये साइंस हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, इस कारण से हमें लगा। सो ही वाज, जब भी क्वेश्चन मार्क है तो सस्पेक्टेड, ही वाज सस्पेक्टेड विद, हमेशा दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमेशा आइदर और का यूज करो। आइदर का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ही वॉज सस्पेक्टेड आइदर विद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस और यूटीआई, हमें लगा या तो इसको ये है या तो इसको यूटीआई है। तो यहां तक हमें ये नहीं पता लगा कि उसको नेफ्राइटिस हुआ है या यूटीआई है, ठीक है। फिर इस कारण से हैंस या देयर फोर, बार बार दस भी लगा सकते हो, दस द पेशेंट वॉज दस प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स वर रिकमेंडेड, ऐसे लिख दो। कुछ भी मुश्किल मत करो, कोई भी वर्ड जो तंग कर रहा है, जैसे यहाँ पे मुझे ड्रिंक वर्ड कर रहा था, सो प्लेंटी ऑफ वर्ड सजेस्टेड, अगर मेरे को रिकमेंडेड की स्पेलिंग नहीं आते, सजेस्टेड लिख दो, सजेस्टेड एंड द पेशेंट वॉज एडवाइज, पर पेशेंट तो बहुत छोटा है, एंड द मदर वॉज एडवाइज टू टेक हर सन फॉर फ्यू इन्वेस्टिगेशन। अगर आप बेस्ट लिखना चाहते थे, आई नो मैम ने आपको इससे सिंपल बताया होगा और इतना कॉम्प्लेक्स करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो परफेक्ट लिखना चाहते थे, लेकिन देखो अब मेरे को लिखना पड़ा मदर वॉज एडवाइज टू टेक हर सन फॉर फ्यू इन्वेस्टिगेशन, अब ये देखो कितना मुश्किल हो गया। मैं अगर चाहूँ तो सच में इसको आसान कर सकता था, कैसे देखो अभी ये आसान भी होगा। इन्वेस्टिगेशन को आगे ले आओ, फ्लूड्स वर सजेस्टेड एंड फ्यू इन्वेस्टिगेशंस, ऐसे आप मदर की बात ही नहीं, आपको पेशेंट की बात ही नहीं करनी पड़ती, इसीलिए एंटी, इसीलिए पैसिव वॉइस बनते हैं। एंड फ्यू इन्वेस्टिगेशंस वर आल्सो एडवाइज्ड, इसके साथ साथ ये भी किया, सच एज यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल अलोंग विद एएसओटी लेवल, एएसओटी, बस इतना लिखता हूँ। ऑल्सो इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट, बस ठीक है ज्यादा मत लिखो, अलोंग विद एएसओटी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इकट्ठा कर दो, एएससी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये सब हमने, तो मैंने वो मदर वाली बात को कॉम्प्लेक्स लिखने की बजाय कि मदर को, क्योंकि ये बड़ा लिखना बड़ा मुश्किल है। अगर आप कहोगे कि बेबी वॉज एडवाइस टू अंडर गो, तो लगेगा 5 साल का बच्चा समझेगा या नहीं समझेगा। मदर लिखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मदर वॉज सजेस्टेड टू मेक हिम अंडर गो विच इज कॉम्प्लेक्स। तो दस प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स वर सजेस्टेड एंड फ्यू इन्वेस्टिगेशंस वर आल्सो एडवाइस सच एज दिस एंड दिस अलोंग विद एएसओटी। एंड प्लीज इसको बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, पेपर में यही लाइंस बनानी मुश्किल होती हैं। फिर आपका ये भी पूरा हो गया, यानी आपका एक पूरा विजिट्स तैयार हो गए। और टुडे को हमेशा प्रेजेंट में लिखना आसान होता है, ये हम करके देख लेते हैं। सो अब आ गया टुडे, तो सारा लेटर लिख के यहाँ पे लिख देते हैं टुडे। सो टुडे प्रेजेंट में द पेशेंट इज स्टिल एसिम्प्टोमेटिक, अब बार बार पेशेंट लिख रहे हैं, तो एक बार मास्टर जैमी लिखेंगे तो देखना कितना अच्छा लगेगा। टुडे द मास्टर जैमी, टुडे मास्टर जैमी, सॉरी नाम के साथ दा तो हो ही नहीं सकता, टुडे मास्टर जैमी इज स्टिल सिम्प्टोमेटिक, आज भी उसके सिम्टम्स हैं, यानी वो सिम्प्टोमेटिक है। एंड हिज यूरिनालिसिस, पहले भी यही रिवील किया था, हैज अगेन रिवील्ड, तो बस पास्ट में क्या होता है सेकेंड फॉर्म, प्रेजेंट में मैंने कह दिया हैज, बस सेकेंड फॉर्म के साथ हैज लगाते ही वो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। सो उसने अगेन रिवील किया है, प्लीज इस टेंस को बार बार करो, ये मैंने आपको बार बार सिखाया है, पिछली ग्रामर में भी सिखाया है, हैज अगेन रिवील्ड माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया।
His, आप तीनों चीजों को इकट्ठा कर दो, his, ASOT, तीनों चीजों को पहले की तरह इकट्ठा, along with urea and creatinine level are raised, बड़े हुए हैं, बिल्कुल सिंपल, ये भी बड़े हुए हैं, तो इसके बेसिस पे हमें लिखा, इसके बेसिस में पता, अब ओवर मत लिखो सब कुछ, वैसे तो लास्ट विजिट में सबको लिखना चाहिए, पर कॉम्प्लेक्स चीज मत लिखो, अब जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है आरबीसी ऑफ रीनल ओरिजन, तो ये कॉम्प्लेक्स है, एफ बी नॉर्मल है, ये भी मतलब नॉर्मल चीज को तो लिखना ही क्यों है, तो बिल्कुल सिंपल, हेंस अगेन जैसे पहले लिखा था ही वाज असेस्ड विद, तो ये अकेली लाइन है जो रिपीट होती है, ये मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना करो, हेंस असेसमेंट ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विद रीनल फेलियर, ये अकेला वर्ड है जो रिपीट होता है, हैज बीन मेड, तो पहले लिखा था ही हैज बीन असेस्ड विद, दूसरा तरीका होता है असेसमेंट ऑफ दिस वाज मेड इन द पास्ट, जैसे कहा था असेसमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस वाज मेड, तो सेम लाइन प्रेजेंट में वाज की जगह हैज बीन आ गया, तो मतलब वाज की जगह हैज बीन आ जाता है, तो हैज बीन मेड, तो यही एक्टिव पैसिव होते हैं, तो अब यहाँ पे बड़ा मत करो, लेटर लंबा ना हो जाए, फॉर विच योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड, दोबारा वही ही शी इज बीइंग रेफर्ड या ही इज बीइंग रेफर्ड मत लिखो, सिंपल लिखो फॉर विच योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड, खत्म, ये पूरा लेटर हमारा तैयार है, जो ऐसा लेटर लिख के आएगा आई एश्योर यू कि आपका 400 से कम नहीं आएगा. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is +917 6967 34256. Thank you. Now you may ask me any question.